क्या ज्ञात है कि कई वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर पानी का भराव इतना होता है जिससे टूटे नाले नालियों में पानी भर जाता है, कचरा इतना रहता है। प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी वो सुनवाई नहीं करते हैं। ऐसे में पार्षद महोदय, दो पार्षद लगते हैं, राजेंद्र जी पवार और ज्ञान जी सारस्वत को भी अवगत कराया गया है, ऐसे में वो भी नहीं देखते हैं। जबकि विधायक महोदय जी की जिम्मेदारी हो जाती है, वो उनका क्षेत्र आता है, सड़कों पर पानी आ जाता है, उसके बावजूद भी वो वहाँ से निकल करके भी नदारद हो जाते हैं, देखने की जगह अनहोनी कर देते हैं। इस तरह से अगर क्षेत्रवासियों के साथ कुठाराघात होता है, आज जनता ने उनको वोट दिया है और जनता उनको अपना जनप्रतिनिधि मानती है, तो उनका भी ये लक्ष्य बनता है कि जनता के बीच में आवें, उनके दुख दर्द को दूर करें। आज बरसात का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, औरतें महिलाएं बच्चे वाहनों के द्वारा जाते हैं, वाहन आए दिन रपट जाते हैं और उनसे चोट लग जाती है, गहरी सदमा हो जाता है। ऐसे में हम चाहते हैं कि इसका अति शीघ्र निवारण करके और रोड नाली को सुचारू रूप से बनाया जाए। ये फायसागर रोड अजमेर का एक पोर्च इलाका आता है और ये निगम क्षेत्र का 4 और 5 नंबर वार्ड आता है, पहले 3 और 4 आता था, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता इतनी त्राई त्राई हो रही है। अब इतने समय से कार्यकाल विधायक महोदय जी हैं, विधायक देवनानी जी हैं, उनके बाद भी ये कार्य नहीं होता। अगर ऐसे में जनता उनको वोट देती है तो उनका ये बन जाता है लक्ष्य कि जनता कर आकर के उनका कार्य करें और समस्या का समाधान निकालें। आज जनता यहाँ की ठगी सी महसूस कर रही है। उमेश सोनी, OBC प्रकोष्ठ, जिला महामंत्री। मैं काली के मंदिर पार्श्वनाथ कॉलोनी के नीचे हूँ, ठीक है। यहाँ के जो रोड के ऊपर नाला है ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, गंदगी भरी हुई है पूरी तरह से कम्प्लीट, जिसके अंदर से पानी आए दिन बारिश के अंदर भी बाहर आ जाता है, आने दिन बारिश नहीं रहती है तो कीचड़ से बदबू मारता है भयंकर पूरी तरह से, तो जिससे क्षेत्रवासी जो है वो काफ़ी परेशान है यहाँ के। और ये जितने भी बड़े नाले हैं सारे के सारे ऐसी स्थिति में हैं जिसको विधायक मोदी जी देखते नहीं हैं, जितने भी बड़े नाले हैं, और ऐसे बदबू मारते रहते हैं, पानी भरता रहता है, कीचड़ों में पैर होकर जाना पड़ता है, आना पड़ता है सभी को यहाँ पर। शिकायत कर रखी है यहाँ पर, बताया मोहल्ले वालों ने, जैसे शिकायत कर रखी है उन्होंने, फिर मुझे कहा था तो इसी तौर पर बोला आपको। कितने टाइम से ये परेशानी आ रही है? ये काफ़ी टाइम से, इससे पहले भी इनकी शिकायत कर दी, उसके थ्रू पत्थर आके रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हुआ अभी भी। अगर अभी भी काम नहीं किया तो उसका खुलकर विरोध करेंगे, और क्या, पहले से कहते आ रहे हैं और फिर अब खुलकर विरोध करेंगे। राजीव सिंह का छावा, उत्तर ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता।